हम अपने बाप को अगर कोई गाली दे तो बर्दाश्त कर लें, माँ को अगर कुछ कहे तो भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करें तो हम हरगिज़ हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपे से बाहर हो जाएं और रास्ता भटककर कानून को अपने हाथ में लें, इसकी भी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ के तमाम इस वक्त मुख्तलिफ़ अंजुमन और मुख्तलिफ़ जमातों के जितने भी ज़िम्मेदार हैं उन्होंने ये तय किया है कि जो वाक़िया पेश आया है उसको भी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत बयान करते हैं। ऐसे जो भी अब मुतासिरीन हो रहे हैं और पुलिस की तरफ से जो बेकसूरों को पकड़कर ले जाने की बात सामने आ रही है, हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बेकसूरों को पकड़ने का जो सिलसिला है उस पर रोक लगाई जाए, बंद किया जाए, बेकसूरों को पकड़ने का सिलसिला आगे न बढ़ाया जाए। और ऐसे ही हाँ, अगर कोई मुजरिम है तो आप उनको ज़रूर पकड़ें और उनके लिए जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कानूनी कार्रवाई करें। जो जो ज़रूरत है उस हिसाब से मदद करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जैसे कि हमारे सदा इत्तेहाद की जानिब से जो अब तक जो बातें पेश किए हम लोग, जो सोचे हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। और जी जो ये भी जो है जो सियासतदान हैं हमारे मुस्लिम रहबर जो बन करके हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी जो मदद हो सकती है कौम को दिलाने की कोशिश करेंगे, और जो साहिब हैसियत है उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी जो मदद हो सकती है वो कौम के लिए करने की कोशिश करेंगे। सदा इत्तेहाद जो है बिना किसी मकसद के ये तंजीम बनी है, ये सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की तंजीम है, यहाँ किसी को भेदभाव नहीं है। अब तक 10 साल में तमाम मसलक तमाम मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली तंजीम है। अदे रीतल डी जी अली ऐन ऐतर घटनेमयो अदन खंडी तीव्र भाषे खंडने इन उलमूलू अदरटे यार अपराधिगारो तीव्रवाद शिक्षे को निरपराधिगारो याद रीतलू शिक्षे आगबार्दू। नम नगर हलू मुस्लिम महिबर पोलिस स्टेशन सत वातावरण ना नोड़ता मकलू का अमायक मकलने पोलिस बंधन विचारवर मंडार अदर बु सदा इतिहादे मान्य मुख्यमंत्री अदे रीतल ग्राममंत्री अदे रीतल पोलिस कमीशनर्गू मतना यार निरपराधिगारू याद विधवान अन्याय आगबार्दु। आ निट्टिनल्लि मुख्यमंत्रिगळन्नु ग्राममंत्रिगळन्नु अदे रीति पोलीस अधिकारिगळन्नु भेटिमाडि ई विचारवागि मातनाडलिद्देवे। अदरोट्टिगे एनु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमर मेले एनु ओब्ब किडिगेडि एनु मातनाडिदनो अवनिगे गरिष्ठवादंत शिक्षे आगबेकु। इन्नु मुंदे इंत यावुदे विधवादंत यावुदे धर्मद नायकर बग्गे धर्मद भावनेगळिगे गासियागदंते धर्मद भावनेगळिगे धक्के माडुवंतवरिगे तीव्रवाद शिक्षे नवीन मूलक मुंदिन दिन इंत घटने नड़ी साध्यव इत्तेहाद की जानिब से जिसमें मौलाना मकसूद इमरान साहब मौजूद थे और हमारे नायब सदर जनाब मौलाना शाफी सादी मौजूद हैं। और इसमें क्या है, हमारे सदा इत्तेहाद का जो एक निज़ाम है जिसमें तमाम मसलकों के जिम्मेदारान हर हमेशा इसे जुड़े हुए हैं और आज भी तमाम जिम्मेदारान चाहे वो हनफी हो या शाफी हो या अहले हदीस जमात हो, तबलीग जमात हो, अहले सुन्नत जमात हो या शिया जमात हो, हर जमात के जिम्मेदारान आज यहाँ पे मौजूद थे। और जो एक दर्दनाक हादसे जो हुए हैं काठगुन हल्ली और डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, इसके बारे में मशवरा हुआ और यहाँ पे सदा इत्तेहाद के पूरे मेंबरों मिलकर हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एक टीम फॉर्म करके हैं हम लोग, जिसमें जितने भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनका लिस्ट बनाया जाएगा और उनको जिस तरीके की सहूलत होगी या प्रोविजंस प्रोवाइड करना है तो प्रोविजंस प्रोवाइड करने का निज़ाम किया जाएगा, या अगर किसी को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो इंशाल्लाह लीगल असिस्टेंस भी सदा इत्तेहाद की जानिब से प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी मिलने का हमारा प्लान है ताकि हम लोग सदा इत्तेहाद की जानिब से उनको जाके अप्राइज करें कि यहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे है लोगों कर्फ्यू के वजह से या कोई निर्दोष अगर अरेस्ट हो रहा है तो ये क्या तकलीफ़ फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जिन